तो हमारे यहाँ पानी पूरी खेते हैं लेकिन बार बार फिर मुँह से गोलगप्पे निकल जाते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह के 6:30 बज चुके हैं एंड फिलहाल अभी मैं उठ के फटाफट से जो भी फ्रेश वगैरह होने थे ब्रश वगैरह कर चुका हूँ एंड अभी हम चलते हैं फटाफट से जिम क्लास वगैरह कंप्लीट करके आते हैं क्योंकि आज भी हमें एक फंक्शन अटेंड करने जाना है एंड आज तो लास्ट फंक्शन है क्योंकि कल तो भाई होली आ जाएगी, तो कल के बाद में तो कोई फंक्शन इतना रहेगा नहीं क्योंकि बस जो भी होली आनी थी आने तक थोड़े बहुत जो भी फंक्शन थे बस वही थे एंड अभी होली आ जाएगी उसके बाद तो कोई फंक्शन रहेगा फिर तो फ्री हो जाएंगे भाई, कुछ भी काम कर सकते हैं। एंड दीदी नहीं आ रही है मेरे साथ जिम को क्योंकि दीदी को काम रहता है ना, क्योंकि आज हमें 11:00 या 10:30 को यही टाइम पे निकल जाना है, तो इसलिए दीदी तो पीछे ही रहेगी। दीदी जो भी अपना काम करना है कर लेगी कहते हैं। एंड भैया भी अभी तक यही पे भैया अब तक निकले नहीं है जो कि पीछे खड़ी है भैया की गाड़ी एंड मैं चलता हूँ अभी एक्टिवा लेके फटाफट से जिम क्लास को कम्प्लीट करके आते हैं। गाड़ी को मैंने वहाँ पर खड़ी कर दी, अभी चलते हैं फटाफट से जिम क्लास को कम्प्लीट करके आते हैं। भाई अभी भी है ना बहुत ही हालत आ रही है मुझे, एक्चुअली बहुत नींद आ रही जैसे लग रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे ना फिर तो ऑटोमेटिक एनर्जी आने लग जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। तो अभी जिम क्लास वगैरह तो खत्म हो गई एंड भैया भी आ चुकी है दुकान पे, जो कम्प्लीट कर दिया। तो अभी हम घर पर चलते हैं। यार आज तो आधा घंटा लेट हो चुका है, एक्चुअली 7:30 को मुझे घर पर जाना था लेकिन अभी 8 बज चुके हैं, तो पता नहीं यार मम्मी की पॉट जागने वाली है मेरे ख्याल से, तो कोई नहीं अभी घर पे जाके पता ही चलेगा। आते ही पहले तो फेस वॉश वगैरह कर लिया यार, भाई बहुत ही मुंह जल रहा था एकदम, क्यों पसीने की वजह से पूरा सूख जाता है ना पसीना, फिर एकदम जलने लगता है यार मुंह। सो अभी फेस वॉश करने का एकदम अच्छा फील आ रहा है, फ्रेशनेस वाली फील आ रही है। चलो कोई नहीं, मम्मी जी से मैं तो बिल्कुल भी टाट नहीं गिरी, एक्चुअली मम्मी जी बोल रहे थे मुझे और दुकान पे ही ठहरना था कहते, एक 10 बजे तक वहीं पे रुकना था कहते, 10 बजे डैड घर पे आके फिर तैयार होकर फिर निकलते कहते। तो यार गलती कर दी मैंने, नेक्स्ट टाइम से पूछ के आऊँगा यार, हर रोज़ पूछ के आऊँगा कि अभी आओ या नहीं आओ घर पे। चलो कोई नहीं, कपड़े धोते हुए हम भी फटाफट से अभी सिक्स अपलोड कर देते हैं। भाई अब तक अपलोड हुआ ही नहीं है, 8:30 बजने को आ गए लेकिन अब तक अपलोड नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, फटाफट से अभी अपलोडिंग करते हैं। तो अभी अपलोडिंग वगैरह फिनिश हो चुकी है एंड अभी 10:47 हो चुकी है टाइम। तो फिलहाल मैं, पापा जी, दीदी तो रेडी हो गए एंड मम्मी जी रेडी हो रही है, जैसे ही मम्मी जी रेडी होती है फिर चलते हैं हम। भाई पापा जी कार लेके आ गए सीधा दुकान से, यार डॉगी पीला पीला हो गया, मेरा किताब पीला पीला हो चुका है डॉगी। एक्चुअली यहाँ पे जो भी हमारे पड़ोसी आंटी हैं उन्होंने यहाँ पे येलो कलर का वाटर वॉश किया है यहाँ पे, तो इस वजह से भाई डॉगी पूरा पीला पीला हो गया है। पूरा दिन सोता ही रहेगा क्या? चलो कोई नहीं, सोने देते। अपना टाइम पास कर रही है रील देखते हुए एंड अभी एक पानी की बॉटल भर लेते हैं क्योंकि भाई कार में जाते हो तो पानी चाहिए ही चाहिए एंड मस्त मटका वाला पानी भरते यार, जो कि नेचुरली ठंडा पानी पीते एंड यार कार अगर पानी लेके नहीं जाए ना तो भाई दूसरा वाला पसीना आना लग जाता है। वैसे भी अगर लेके जाए ना लेके तो पसीना आता आने वाला है। पानी का बॉटल भर लिया, बस हो जाएगा हिल तो। चलो अभी हम मंदिर पहुंच चुके हैं, मंदिर यानी वडेर, जो कि हमारे यहाँ वडेर कहते हैं इसको, जहाँ पे हम फंक्शन करा सकते हैं, बाकी जो भी कराना चाहे एंड पूजा कराना चाहे तो वो भी करा सकते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं एंड फंक्शन को अटेंड करके आते हैं। ढोल बज रहा था इसलिए भाई कुछ बोल ही नहीं पाया। एक्चुअली अंदर जो भी डांस चल रहा था वो हमारे मारवाड़ी कल्चरल को डिनोट करती है एंड ये जो डांस था ये ओनली होली के टाइम पे ही नाचा जाता है। होली से पहले जो भी फंक्शंस रहते हैं वो फंक्शंस में नाचे जाते हैं एंड पिछले 2-3 दिन से जिस भी फंक्शन में जा रहे थे सभी फंक्शन में डांस चल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा अभी होली कर लिए तो एक दिन पहले दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आज दिखा दिया आपको। तो फिलहाल अभी घर पर चलते हैं एंड बाकी क्या ही, सब लोग आ गए वापस, पापा जी, मम्मी एंड दीदी। आज एक्चुअली जलाने वाली होली है एंड कल मस्त खेलने वाली होली है, तो मेरी एंड मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी होली एंड पापा जी हैप्पी होली एंड मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी होली। तो अभी सीधा घर पे चलते हैं, भाई बहुत ही थक चुके हैं एंड बहुत ही गर्मी भी लग रही है। एक्चुअली
एक्चुअली मैंने सोचा था घर पे जाएंगे, लेकिन पापा जी ने तो मुझे दुकान पे उतार दिया। चलो कोई नहीं, एक्चुअली भैया को कॉफ़ी पीनी होगी ना, इसलिए मुझे उतारा है। एंड अभी तो जस्ट 3:30 तो बज चुके हैं, तो जैसे ही भैया कॉफ़ी पी के आते हैं एंड फिर हम भी घर पे चलते हैं। मम्मी पापा जी तो निकल गए एक्टिवा लेके, एंड मैं हीरोंडा लेके चले जाऊँगा, तो फिर वेटिंग करते हैं। ऑलरेडी भैया तो चले गए कॉफ़ी पीने, बस 5 मिनट में आते होंगे, फिर हम चलते हैं घर पे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार कर रहे थे। चलो कोई नहीं, अभी आ गया, रोटी खाएगा। चलो पहले डॉगी की एक रोटी देते हैं। आ जा। तो डॉगी को एक रोटी डाल दिया है, वो तो खा लेगा। एंड वहाँ पे पानी भी भर दिया है। सो अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, एंड अभी चलते हैं फटाफट से भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। पूजा कंप्लीट हो ही गई, लेकिन यार पूजा करते करते तो इतना स्वेट आ गया ना गाइस, पूछो मत, क्योंकि एक्चुअली फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है ना। एंड गर्मियों में फ़ैन ऑफ रखने का मतलब है भाई पसीने से नहाना, तो इस चक्कर में पूरा पसीने से नहा लिया यार, पूरा पसीना पसीना हो गया, टी शर्ट भीग चुका था, लेकिन अब थोड़ा सूख चुका है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले फ़ैन में बैठा एंड फिर ब्लॉग को स्टार्ट किया। चलो कोई नहीं, अभी पूजा तो हो चुकी है, एंडमोस्ट अभी बैठ सकते हैं। एंड अभी एडिटिंग और सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी कहीं पे जाना है हमें, जो कि आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। एंड कल सुबह दीदी को मस्त एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, जो भी आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। एंड अभी के लिए फटाफट से एडिटिंग और कंप्लीट करते हैं। एडिटिंग और कंप्लीट कर ही रहा था कि मम्मी जी ने कहा थोड़े बहुत गोलगप्पे लेके आ जाओ बढ़ के। चलो कोई नहीं, जाते हैं और थोड़ा बहुत जो भी फास्ट फूड लेके आते हैं। पानी पूरी खेते हैं, लेकिन बार बार भर मुँह से गोलगप्पे निकल जाता है। जब भी वीडियो में निकालता हूँ ना भाई, गोलगप्पे ही निकलता है। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा पानी पूरी से, लेकिन अभी तो समझ में आ जाएगा भाई। इनको देखो, इनको खेते हैं पानी पूरी। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं घर पे। एंड पता नहीं क्यों थकान थकान सा लग रहा है, तो आज जल्दी सोने का प्लान है। एंड अभी एडिटिंग और कंप्लीट हो चुकी है, बस 50% और बाकी है, फटाफट से करके सो ही जाएंगे। सो अभी डिनर करते हैं, बस पानी पूरी का जमा लिया अपने थाली में। पापा जी मम्मी जी सब लोग आ चुके हैं, तो मस्त डिनर कर लेते हैं एंड फिर बस सेटिंग वगैरह करेंगे थोड़ी बहुत जो भी बाकी है, एंड फिर सोएंगे। पहले तो मस्त पीसेस खाते हैं। फाइनली अभी एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है एंड बस अभी सो जाते हैं, ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि कल सुबह दीदी को मिलने वाला है एकदम तगड़ा वाला, शॉकिंग वाला सब्सक्राइब क्या यार, सरप्राइज मिलने वाला है, जो कि कल सुबह पता चलेगा। दीदी हेलो। दीदी आज मेरी बात सुन रही नहीं है, क्योंकि दीदी को आज मैंने ना 10 से भी ज्यादा बार 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 बोल बोल के दीदी को तंग कर दिया, तो दीदी मेरी बात ही नहीं सुन रही। तेरा ऊंट खोल दूंगी पूरा। नहीं आएगा, आएगा तेरा, ये देख, ये दोनों कट करके तेरे को पैरालाइज कर देगा। नहीं आएगा, आएगा, मिलेगा सरप्राइज, सरप्राइज तुम्हें मिलेगा, एकदम शॉकिंग वाला सरप्राइज मिलेगा। वो तू ही देने वाला है, वो भी मुंह पे कलर करके। मैं नहीं देने वाला, कलर कैसे करूंगा, कलर तो लेके ही नहीं आए। तेरा क्या भरोसा, कलर पड़ा होगा कहीं पे भी, नहीं पड़ा है नहीं पड़ा है कलर, नहीं लगे ये ले ओ तुम्हारा सरप्राइज कलर तो लगा है। अरे कलर अगर मैं अगर मैंने अगर कलर लगा दिया ना, तो मेरे को 10 साल तक होली खेलने मत देना बस। चलो ठीक है, नहीं अभी हाँ बोला बोला आपकी क्या, तुझे 10 साल तक तेरी गाड़ी नहीं मिली। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको कलर लगा दिया तो मुझे 10 साल तक बाइक नहीं मिलेगी, ठीक है। सो अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं, बाकी जो भी डिस्कशन होगी कल सुबह होगी भाई, कल सुबह डिस्कशन कंप्लीट होने वाली है, वैसे 6 बजे तक तो डिस्कशन कंप्लीट हो ही जाएगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।